दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे सुनकर आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। बस आप इस वीडियो के लास्ट तक देखकर ही जाना। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 2022 में आप क्या किए हैं और क्या नहीं किए हैं और क्या करना चाहते थे क्या करना नहीं चाहते थे ये तो आपको पता होगा। आपसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता। यदि आप ऐसा किए होते, अपने आप पर फोकस किए होते, अपने आप पर काम किए होते, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप वर्क किए होते, तो आज 2022 को समाप्त होने में कुछ ही पल बाकी है और 2023 आने वाला है। इसी बीच आप कहीं और जगह होते, लेकिन मुझे पता है आपने ऐसा नहीं किया होगा। अगर उस समय आप मेहनत कर लेते, अपने आप पर फोकस कर लेते, तो आज आपका स्थान कहीं और होता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक गलती को हम फिर से नहीं दोहराएंगे और अपने आप पर फोकस करेंगे, अपना गोल अचीव करने के लिए अपने आप पर हार्डवर्क करेंगे और 2023 के अंत तक बहुत बड़ा काबिल इंसान बनना है। यह हमें प्रण लेकर अपने गोल पर फोकस करना है और उस काम को करो कि जिस काम को करने में आपका इंटरेस्ट हो, आप उस काम में रुचि रखते हो, आप उसी काम को करो, तभी जाके आपका सफलता मिलेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहीं का भी नहीं रह पाओगे और पूरा ज़िंदगी आप ऐसा ही गुजार दोगे। इसीलिए सबसे पहले अपना गोल सेट करो और अपने माइंड में यह सेट कर लो कि मुझसे क्या हो सकता है और मेरे अंदर क्या सहानुभूति है, मुझसे क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले है कि अपने आप को समझ लो, उसके बाद अपना गोल सेट करो और उसी गोल पर फोकस करो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको बोला होता कि तुम गायकर बन जाओ तो क्या वो बन पाते? नहीं बन पाते। उसको क्या बनना था? खिलाड़ी बनना था। अगर उसको गायकर बना दिया जाता तो बन जाता? नहीं बन पाता। अगर लता मंगेशकर के फादर ने उसको बोला होता कि तुम क्रिकेटर बन जाओ तो बन पाता? कभी नहीं बन पाता। इसीलिए जो आपका गोल है, जो आपके माइंड में सेट है और आपको लगता है कि यह काम हमसे हो सकता है, उसी काम पर आप फोकस करो। दोस्तों यही समय है अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, अपने आप को समझने का। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियाँ को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हालात चाहे जैसे भी हो, आप उसको धीरे धीरे संभाल लोगे, लेकिन यदि समय निकल गया तो उसको आप संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए आप वक्त के साथ समय अपना ना गवाएं, अपने काम पर फोकस करें, अपने गोल पर सेट हो जाओ, अपने गोल को लेकर आप सीरियस हो जाओ, अपने गोल पर फोकस करो। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।